एग्जाम कोच ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं कुलदीप सोनी, आज शुरू कर रहे हैं हिंदी। तो विविध प्रतियोगी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए आज हम लोग हिंदी की क्लास को शुरू करेंगे, ठीक है। तो आज हम शुरू कर रहे हैं हिंदी के बारे में। तो सर्वप्रथम समझ लें कि आपको पता ही होगा कि हिंदी जो है भाषा है। भाषा क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सी हम लोग थोड़ा सा चर्चा करेंगे इस विषय पर कि हिंदी भाषा कैसी भाषा है और भाषा किसे कहते हैं, पहले ये बात समझ लेते हैं, ठीक है। आपको स्पष्ट है कि हिंदी जो है भाषा है, ठीक है, भाषा है। प्रथम दृष्टि में हम लोग क्या देख रहे हैं, हिंदी भाषा है। भाषा क्या है, अपने विचारों और भावों को जो अभिव्यक्त करने का माध्यम है वो भाषा कहलाता है। अपने जो भाव होते हैं, जो विचार होते हैं, हम दूसरे तक पहुंचाते हैं, जिस माध्यम से पहुंचाते हैं वो माध्यम कहलाएगा भाषा, ठीक है। तो अपने भावों को विचारों को हिंदी भाषा के माध्यम से पहुंचाया जाता है, तो हिंदी भाषा एक माध्यम है विचारों को और भावों को प्रेषित करने का, दूसरे तक पहुँचाने का। हम लोग बोल करके भाषा को, अपने विचारों को पहुँचाते हैं और लिख करके भी पहुँचाते हैं। तो सामान्यतः भाषा एक माध्यम है किसको पहुंचाने का, विचारों और भावों को पहुंचाने का दूसरे तक। तो भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो होता है वो भाषा होता है। भाषा किसे कहते हैं, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, भावों और विचार, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम, अभिव्यक्ति का माध्यम, ठीक है, जो होता है वो भाषा कहलाती है। विचार और भावों को अभिव्यक्त करने का जो माध्यम होती है भाषा कहलाती है, और तरह तरह की भाषाएं होती हैं, ठीक है। विश्व की कितनी लगभग भाषाएं ज्ञात हैं, तो अगर इस पे हम लोग मंथन करें, विचार करें, तो विश्व में लगभग 2700 प्रकार की भाषाएं जो हैं ज्ञात हुई हैं अब तक की। न जाने कितनी अज्ञात भाषाएं हैं, पर कितने द्वीपों में, टापुओं में न जाने कितनी जनजातियां रहती हैं जिनकी भाषाओं का कोई अध्ययन अभी नहीं हुआ है। लेकिन इन 2700 भाषाओं में से हमको सबका तो अध्ययन करना नहीं है, ना ही हो सकता है निश्चित समय में, ठीक है। तो अब आगे देखेंगे, हम लोग भारतीय परिदृश्य में हिंदी भाषा को पढ़ रहे होते हैं, और हिंदी भाषा के पहले हम रूप देख लेते हैं। तो हिंदी भाषा ये समझना भी भाषा के बारे में, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो है वो भाषा कहलाता है, और भाषा कितने तरह की होती है यहीं से हम लोग चले, ठीक है। भाषा के तीन रूप होते हैं, ठीक है, कौन कौन से रूप होते हैं, तीन रूप होते हैं। अभी हिंदी पे हम लोग चर्चा करेंगे थोड़ा सा, लेकिन दो मिनट जो प्रश्न बन सकता है भाषा को लेकर के उसको हम लोग सॉल्व कर लें, ठीक है। भाषा किसे कहते हैं, भाव और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम जो होती है वो भाषा कहलाती है, ठीक है। इस तरह से आपका एक प्रश्न मिल रहा होता है कि भाषा किसे कहते हैं, तो उसका उत्तर भी आपको यहीं पर मिल रहा है, भावों और विचारों की अभिव्यक्ति का माध्यम भाषा कहलाता है, ठीक है। भाषा के रूप देखें, एक होता है लिखित रूप, भाषा का लिखित रूप, और एक होता है मौखिक रूप। तो सबसे पहले हम लिखेंगे मौखिक रूप, भाषा का मौखिक रूप, ठीक है, भाषा का मौखिक रूप। तो लिखित, मौखिक और सांकेतिक भाषा होती है, ठीक है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक, ठीक है, लिखित, मौखिक और सांकेतिक। तो पहले पहले हम लिख रहे हैं मौखिक भाषा, कैसी भाषा, ये बहुत छोटे स्तर की बात है अभी, लेकिन ये प्रश्न प्राय बन जाते हैं, ठीक है, विविध प्रतियोगी परीक्षाओं में इनसे प्रश्न बनते हैं, इसलिए छोटी बात को भी महत्वपूर्ण तरीके से हमको पढ़ना है। मौखिक और लिखित, ठीक है, और सांकेतिक, ठीक है, सांकेतिक भाषा, सांकेतिक, ठीक है। देखिए, जब अपने विचारों और भावों को लिख मौखिक मुख से प्रकट करते हैं, बोल करके प्रकट करते हैं, मौखिक भाषा कहलाती है। जब अपने विचार और भाव जो उठते हैं उन सबको जब हम बोल करके प्रस्तुत करते हैं, अभिव्यक्त करते हैं, वो कहलाती है मौखिक भाषा। अब आते हैं लिखित भाषा पर, जब अपने विचार और भावों को हम लोग लिख करके प्रेषित करते हैं, लिपिबद्ध करके किसी दूसरे तरीके दूसरे तक पहुंचाते हैं, वो कहलाती है लिखित भाषा। जब अपने विचारों को और भावों को लिख दिया जाए, लिपिबद्ध कर दिया जाए किसी लिपि के माध्यम से, वो कहलाती है लिखित भाषा। तो लिखित भाषा के लिए लिपि आवश्यक हो जाती है, और मौखिक भाषा के लिए ध्वनि आवश्यक है। तो यहाँ पर मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है, ठीक है, मौखिक भाषा का आधार ध्वनि है, यहाँ पर लिपि हो जाती है जाकर के लिखित भाषा में। एक होती है सांकेतिक भाषा, कभी कभी हम अपने विचारों को और भावों को जो है संकेत के माध्यम से प्रेषित करते हैं, वो सांकेतिक भाषा कहलाती है। तो भाषा के मुख्यतः तीन भाग कर ले रहे हैं, रूप बता दे रहे हैं तीन, मौखिक, लिखित और सांकेतिक।
ठीक है। तो अब संकेत के माध्यम से विचारों को प्रकट किया जा सकता है। आपको सबसे अच्छा उदाहरण बताएं ट्रैफिक पुलिस का, जो कि भीड़ आ रही होती है उसको रोकने के लिए यातायात प्रबंधन जो होता है उसमें संकेतिक भाषा का अच्छा प्रयोग हो रहा होता है। देखिए आप गाड़ियों को रोकने के लिए एक इशारा कर देते हैं, वो भी एक प्रकार का सांकेतिक भाषा के दायरे में आएगी। अन्य भी उदाहरण हैं लेकिन हमको इस पर बहुत समय नहीं देना है, आगे बढ़ना है हिंदी की ओर, ठीक है। तो भाषा और भाषा के रूप हो गए भाषा। अब आगे देखें एक और कैटेगरी बनाएगी, लिखित भाषा, मौखिक भाषा, सांकेतिक भाषा के अलावा एक और विभाजन देखिए, राष्ट्रभाषा, राज्यभाषा, राजभाषा और जो होती है मानक भाषा। ये सब भी विभाजन किया गया भाषाओं का, एक प्रकार का ये भी विभाजन है। तो अब अगर हम बात करें हिंदी, तो हिंदी जो है ये क्या राष्ट्रभाषा है? नहीं। अगर संवैधानिक रूप से देखें तो ये राष्ट्रभाषा नहीं है, संवैधानिक दृष्टिकोण से देखें तो हिंदी राजभाषा है। अब हमारे प्रश्न शुरू हो गए, ठीक है, उत्तर भी यहीं पर मिल जाएंगे, प्रश्न बनने शुरू हो गए। राजभाषा, ठीक है, हिंदी कैसी भाषा है? राजभाषा है। राजभाषा माने ऑफिशियल लैंग्वेज। ये जो भारत है, भारत की राजभाषा कौन सी है? हिंदी है, ये ऑफिशियल लैंग्वेज है। सरकारी कामकाज की जो भाषा होती है वो राजभाषा कहलाती है, ठीक है। तो ये हिंदी जो है संविधान के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार, ठीक है, अनुच्छेद 343 के अनुसार, और सर देखें संविधान के अनुच्छेद 343 के हिसाब से ये हिंदी राजभाषा है। हिंदी क्या है? राजभाषा है, ठीक है, राजभाषा, ये बात समझिएगा। राष्ट्रभाषा का उल्लेख संविधान में नहीं है हिंदी को लेकर के, हिंदी जो है ये राष्ट्रभाषा नहीं उल्लेखित किया गया है राष्ट्रभाषा के रूप में, लेकिन प्रसार की दृष्टिकोण से अगर देखें तो हिंदी राष्ट्रभाषा का दर्जा रखती है कि एक व्यापक प्रसार है इसका, ठीक है। हिंदी भाषी क्षेत्र जो है काफ़ी हैं, ठीक है, और इसकी प्रसार देखें, अगर बोलने वालों की संख्या भी देखें तो इस हिसाब से देखा जाए तो राष्ट्रभाषा होनी चाहिए, ठीक है, दर्जा दिया जा सकता है, लेकिन संविधान में उल्लेख सिर्फ और सिर्फ स्टेट राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में है, ठीक है। तो हिंदी जो है राजभाषा है, ठीक है। इसके अलावा क्या राष्ट्रभाषा है? नहीं, संवैधानिक रूप से नहीं है, प्रसार की दृष्टिकोण से हम देखें तो, व्यापक विस्तार की दृष्टिकोण से देखें तो राष्ट्रभाषा मानी जा सकती है। जो पूरे राष्ट्र में बोली जाती है वो राष्ट्रभाषाएं होती है, ठीक है, और जो जिसका सरकारी कामकाज होता है जिस भाषा में वो कहती है राजभाषा, ठीक है। तो सरकारी कामकाज जो होता है हमारे यहाँ वो हिंदी में ही होता है, इसलिए हिंदी राजभाषा है, ठीक है। और संपर्क भाषा भी हिंदी है। अन्य प्रांतों में अगर जाएं तो ऐसा नहीं है कि विशेष प्रांत, जैसे हम बात करें पंजाब या फिर जो है बंगाल, वहाँ पर हिंदी समझने वालों की संख्या है, ठीक है। तो संपर्क में लाने का काम भी करती है अन्य प्रदेशों में, इसलिए संपर्क भाषा भी है। और अंग्रेजी भी संपर्क भाषा की तरह प्रयोग हो रही है। और आगे देखें तो हिंदी में अब देखेंगे साहित्य और व्याकरण को दो भाग में बांट करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो इस पे भाषा विज्ञान को हम धीरे धीरे अलग कक्षाओं में लेकर के पढ़ेंगे, कि भाषा विज्ञान एक अलग जो है कैटेगरी बना करके हम लोग भाषा विज्ञान पढ़ेंगे, उसमें हिंदी भाषा को विशेष रूप से पढ़ेंगे। अब हम लोग शुरू करेंगे हिंदी के दो रूप, एक साहित्य और एक जो है व्याकरण, ठीक है। हिंदी साहित्य से प्रश्न कैसे आते हैं और व्याकरण से कैसे प्रश्न आते हैं, उन सब बातों को हम लोग समझेंगे, लेकिन एक पहली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे हिंदी साहित्य को, ठीक है। तो जुड़िए हमारे साथ इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से और हम लोग शुरू करेंगे हिंदी साहित्य को, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में देखते हैं कि क्या क्या पढ़ना होगा और कैसे कैसे प्रश्न आते हैं, ठीक है। तो हिंदी को हम लोग जो है दो भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, हिंदी को दो भागों में बांट करके पढ़ रहे हैं, ठीक है, हिंदी साहित्य और हिंदी व्याकरण, ठीक है, और व्याकरण। सामान्य हिंदी जो पूछी जाती है विद्वतों की परीक्षाओं में, उसमें ज़्यादातर प्रश्न व्याकरण से होते हैं, दो चार प्रश्न जो है प्रायः हमने साहित्य के मिल जाते हैं, ठीक है। लेकिन हम लोग जो है विस्तार से ही पढ़ेंगे हर एक चीज़ को क्लियर करते हुए, ठीक है। तो अब साहित्य का अर्थ क्या होता है पहले ये समझ लेते हैं। कोई शब्द लिखा होता है उसको बहुत ध्यान से बारीकी से समझना होगा कि ये कैसे अर्थ क्या दे रहा होता है। साहित्य शब्द जो आया तो सा प्लस हित यत प्रत्यय मिलने से बना होता है। हम लोग एक एक चीज़ों को सीखने का प्रयास करेंगे, सा प्लस हित प्रत्यय, ये हित और यत प्रत्यय, ये देखो
समाज के हित के लिए जो लेखन कार्य किया गया किसी भी माध्यम के माध्यम से वो कहलाता है साहित्य। भाषा के माध्यम से समाज को दिशा बोध देने के लिए कुछ चीजें लिखी गई हैं, ठीक है, वो कहलाती हैं साहित्य। ठीक है, तो साहित्य का अर्थ बोध क्या है, देखिए थोड़ा सा, समाज के हित के लिए जो लेखन कार्य होता है, जो रचनाएं लिखी जाती हैं, समाज के हित को देख करके, ध्यान में रख करके, वो कहलाता है साहित्य। समाज के हित के लिए जो लेखन कार्य किया गया वो क्या कहलाएगा, साहित्य। तो जो विकसित भाषाएं होती हैं उनका अपना साहित्य उपस्थित है, अवेलेबल है, मतलब उपलब्ध है। ठीक है, जो विकसित भाषाएं हैं, जो वैज्ञानिक भाषाएं, विकसित भाषाएं हैं, उनका सबका एक ना एक साहित्य मिला है। ठीक है, तो अब हिंदी का अपना एक बहुत बड़ा साहित्य है, व्यंगम वांग्मय है, कहने का मतलब, ठीक है, और हिंदी साहित्य प्रचुर मात्रा में मिल रहा होता है, और इस साहित्य का मतलब यही हुआ जो समाज के लिए हितकारी रचना, ठीक है, समाज के लिए हितकारी रचना जो होती है वो साहित्य कहलाती है। ऐसी रचना, किसी भी भाषा की ऐसी रचना जो समाज को दिशा बोध दे, समाज को जो है एक नई दिशा दे, या समाज के लिए हितकारी हो किसी भी प्रकार से, दृष्टिकोण से, वो कहलाएगी साहित्य। तो साहित्य समाज के लिए हितकारी रचना, ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं, या हित के साथ जो लेखन कार्य किया जाए वो भी साहित्य कहलाता है। तो आपको एक भाव वो समझ में आ गया होगा साहित्य का अर्थ क्या होता है। ठीक है, अब देखिए साहित्य को आगे हम बांटें तो दो तरह का साहित्य हम बांट सकते हैं, या दो शैलियां ले सकते हैं, ऐसे कहें तो ज्यादा अच्छी बात रहेगी। साहित्य की दो शैलियां हैं, एक पद्य शैली और, हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, ठीक है, एक पद्य शैली और एक गद्य शैली, ठीक है, या पद्य साहित्य या गद्य साहित्य, ठीक है, हिंदी साहित्य की बात कर रहे हैं, किसकी बात कर रहे हैं, हिंदी साहित्य की, ठीक है। तो हिंदी साहित्य में पद्य साहित्य, ठीक है, पद्य साहित्य, और इसी तरीके से गद्य साहित्य, ठीक है, दो बातें बांट ले रहे हैं पहले से इस, ठीक है, इस तरीके से आपको बताएं। हिंदी भाषा में काव्य का या पद्य का विकास पहले हुआ है और गद्य का विकास बहुत बाद में होता है, इसके पीछे भी कई कारण रहे हैं, ठीक है, लेकिन पहले ये समझिएगा कि हिंदी साहित्य में पहले विकास हुआ है पद्य का, इसके बाद विकास हुआ है गद्य साहित्य का, ठीक है। तो किस प्रकार से पद्य का विकास पहले हुआ और गद्य का विकास बाद में हुआ, इसकी चर्चा हम लोग अभी तुरंत कर ले रहे हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि साहित्य के दो शैलियां या दो पार्ट करके पढ़ेंगे, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य, ठीक है। एक बात और यहीं पे स्पष्ट कर ले, तब आगे हम लोग बढ़े, पहली क्लास है इसलिए जो है बहुत महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करते हुए तब आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हिंदी के दो भाग किए गए, एक साहित्य, दूसरा व्याकरण, ठीक है। जो विकसित भाषाएं होती हैं, जो वैज्ञानिक भाषाएं होती हैं, उनका साहित्य भी होता है और उनका व्याकरण भी होता है, ठीक है, इसलिए दो भागों को हम लोग पहले से ही बांट लिया, साहित्य और व्याकरण। जो विकसित भाषाएं होती हैं उनका व्याकरण होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये जो हिंदी पढ़ रहे हैं वो देख रहे हैं बहुत विकसित भाषा है, वैज्ञानिक भाषा है, पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है हम कहेंगे, ठीक है, ये पूर्ण वैज्ञानिक भाषा है और विकसित भाषा है, तो इसलिए इसका अपना एक सुदृढ़ व्याकरण है, तो इसको हम लोगों ने व्याकरण बांट लिया, और इसका साहित्य भी मिलता है इसलिए साहित्य भी बांट लिया। हर एक भाषा जो विकसित होगी उसका अपना साहित्य भी मिलता होगा और जो है व्याकरण भी सुदृढ़ होता होगा, इसीलिए विकसित है, ठीक है। तो आप देखिए व्याकरण, व्याकरण में भाषा संबंधी नियमों को पढ़ते हैं, व्याकरण में भाषा संबंधी नियमों को पढ़ते हैं, भाषा पर नियंत्रण जो होता है, कैसे भाषा नियंत्रित होगी उसके लिए कुछ नियम बनाए गए हैं, है ना, भाषा को सुदृढ़ करने के लिए, वो सब पढ़ेंगे व्याकरण में, ठीक है। तो इस तरह से आप सरल शब्दों में समझ सकते हैं, भाषा संबंधी नियमों को हम लोग जो है व्याकरण के दायरे में पढ़ेंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। आप समझिए इसको हम तोड़ दें, जिस प्रकार से हमने साहित्य को तोड़ा, आप देखिए जिस प्रकार से साहित्य को तोड़ा, सा प्लस हित प्लस यत प्रत्यय, ठीक है, अर्थ अलग अलग निकाले जा सकते हैं, लेकिन हमने इस तरह कैसे विभाजन किया या संधि विच्छेद किया, ऐसे हम व्याकरण को भी एक सरल तरीके से अर्थ बोध के लिए तोड़ सकते हैं, आप देखिए, ठीक है, देखो किस तरीके से लोग जो है तोड़ा जा सकता है, देखिएगा एक बार, ठीक है, देखिए तो व्याकरण को आप ऐसे भी कर सकते हैं, देखिए प्लस आ प्लस करण, ठीक है। अब देखिए यहाँ बी का अर्थ है विशेष रूप से, बी का अर्थ क्या ले रहे हैं हम लोग, विशेष रूप से, ठीक है, बी का क्या अर्थ ले रहे हैं, विशेष रूप से, विशेष रूप से आ का अर्थ ले रहे हैं आख्यान, विशेष रूप से आख्यान, करण का अर्थ ले रहे करना से, ठीक है, विशेष रूप से आख्यान करना, ठीक है, देखो विशेष रूप से आख्यान, किसका आख्यान करना, बात ये महत्वपूर्ण है ध्यान में रखना, विशेष रूप से आख्यान, ठीक है, आख्यान करण माने करना, किसका आख्यान करना, भाषा संबंधी नियमों को, फिर वही बात पे आ गए,
कि व्याकरण के दायरे में हम भाषा संबंधी नियमों को पढ़ेंगे, हिंदी भाषा संबंधी नियमों को हिंदी व्याकरण में पढ़ेंगे, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। विशेष रूप से आख्यान करना व्याकरण हो गया, हर एक शब्द को ठीक है तोड़ के ही हम लोग भाव या अर्थ उसका ग्रहण करेंगे, ठीक है। आगे देखिए, साहित्य को जैसे बांटा वैसे हमने जो है व्याकरण को बांटा, ठीक है। तो अब पहली कक्षा जो शुरू कर रहे हैं लेक्चर 1, इसमें हम करेंगे साहित्य को, फिर हम लोग व्याकरण पे आएंगे, ठीक है। तो आप बढ़ेंगे साहित्य को, ठीक है। अब हिंदी साहित्य को कितने भागों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया। देखिएगा, ये तो हिंदी साहित्य के शैलियां हैं, पद्य साहित्य और गद्य साहित्य, ठीक है। अब तक का जो हिंदी साहित्य मिला, मतलब जो हिंदी साहित्य का हमारा इतिहास है 900 साल का, जब से हिंदी विकसित हुई, हिंदी उद्भव हुआ हिंदी का, जब से साहित्य लिखा जाने लगा और आज तक के पूरे साहित्य को कितने काल खंडों में बांटा गया है, तो सामान्यता देखें तो 4 काल खंडों में बांटा गया है। तो अब हम हिंदी साहित्य का काल विभाजन करेंगे या काल खंड को देखेंगे और उसमें जो प्रश्न बनते हैं उनको हम लोग हल करेंगे। देखिए कैसे होता है, देखो, देखिए हिंदी साहित्य की कितनी शैलियां हैं, 2, एक पद्य और एक गद्य, ठीक है। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से कैसे बांटा गया, गद्य साहित्य और पद्य साहित्य को, है ना। अब देखो हिंदी साहित्य का काल विभाजन देख रहे हैं, हिंदी साहित्य, साहित्य अगला क्या पढ़ रहे हैं, काल विभाजन, ठीक है। काल विभाजन हमारा प्रकरण क्या है, काल विभाजन को लेकर के है, ठीक है। इस तरीके से हम क्या पढ़ रहे होते हैं, ये स्पष्ट होना चाहिए, काल विभाजन पढ़ रहे होते हैं, किसका, हिंदी साहित्य का, क्योंकि विकास पद का पहले हुआ है, तो हम लोग इस तरह भी कह सकते हैं पद साहित्य का अध्ययन कर रहे हैं, काल विभाजन कर रहे होते हैं, ठीक है। तो हम संपूर्ण रूप से बांट दे रहे हैं, हिंदी साहित्य को 4 काल खंडों में बांटा गया। अब तक की जब तक की जो विकास मिल रहा होता है, जितना विकास हो चुका है गद्य का या पद दोनों का या साहित्य का, हिंदी साहित्य का, उनमें 4 काल खंड मुख्य रूप से बनाए गए हैं। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हम 4 आपको जो है कालखंड बता रहे होते हैं, ठीक है। एक तो हो गया आदिकाल, हिंदी साहित्य का पहला चरण जो आता है वो क्या कहलाता है, आदिकाल, ठीक है। अभी यहां से प्रश्न सीधे नहीं बनेंगे, अभी जो इनके अंदर हम लोग पढ़ेंगे विवरण को, तब वहां से प्रश्न आपको मिलते जाएंगे। आदिकाल, आदिकाल के बाद दूसरा जो कालखंड आता है हमारा हिंदी साहित्य में, वो भक्ति काल का आता है। कौन सा है, भक्ति काल का। तीसरे नंबर पे आपको पता है रीतिकाल है, कौन सा कालखंड है, तीसरा रीतिकाल है, ठीक है। अब इनसे प्रश्न बन सकते हैं और बनते भी हैं, ठीक है। रीतिकाल के बाद जो चौथा कालखंड आया, जिसमें हिंदी गद्य का विकास हुआ या गद्य शैली का प्रमुखता से विकास हुआ है, ठीक है, मुख्य रूप से गद्य का विकास होता है आधुनिक काल में आकर के, तो ये चौथा कालखंड हम लोग लिख ले रहे हैं आधुनिक काल। कौन सा काल, आधुनिक काल। इसी आधुनिक काल को रामचंद्र शुक्ल जी ने गद्य काल की संज्ञा भी दे डाली, ठीक है, क्या दे दिया, गद्यकाल, ठीक है। अब देखिएगा एक बात महत्वपूर्ण है, 4 कालखंड हो गए हिंदी साहित्य के, हिंदी साहित्य के अब तक कितने कालखंडों में बांटा गया, 4 कालखंडों में। नंबर 1 आदिकाल, नंबर 2 भक्तिकाल, नंबर 3 रीतिकाल और नंबर 4 आधुनिक काल, ठीक है। नंबर 4 आधुनिक काल तक हम लोग आ गए। अब एक एक कालखंड को हम लोग पढ़ेंगे एग्जाम के दृष्टिकोण से, जैसे प्रश्न बनते हैं उस अनुरूप हम लोग थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करेंगे, ठीक है। देखो आदिकाल में काव्य लिखा गया, हिंदी साहित्य की जब शुरुआत होती है तो पहले काव्य ही लिखा गया, मतलब काव्य का विकास हुआ इसलिए काव्य मिलता है, ये बात आपको स्पष्ट रूप से ध्यान में रखनी है। पहले आदिकाल में सब काव्य लिखा गया हिंदी साहित्य के दायरे में, हिंदी साहित्य काव्य के शैली में मिला, ठीक है। भक्ति काल में भी काव्य मिलता है और रीति काल में भी हमें काव्य का ही विकास मिलता है, लेकिन थोड़ा बहुत गद्य जो है प्रचलन में आ गया रीतिकाल में, ब्रजभाषा राजस्थानी गद्य, फिर धीरे धीरे आधुनिक काल आते आते पूर्ण रूप से गद्य लिखा जाने लगा। दोनों शैलियां बराबर एक साथ नहीं विकसित हुई हैं, पहले विकसित हुआ है काव्य या पद्य, फिर विकसित हुआ है गद्य, ठीक है। इन छोटी छोटी बातों को आप पहले से ही दिमाग में बैठा के पढ़ेंगे तो स्पष्ट रूप से आप अच्छा ज्ञान अर्जित कर पाएंगे, ठीक है। तो अब आदिकाल को अगर हम देखें तो हिंदी साहित्य का ये प्रथम चरण है, ठीक है। हिंदी साहित्य का पहला चरण कौन सा है, हिंदी साहित्य में अगर देखें तो पहला चरण कौन सा आता है, आदिकाल आता है, इसे प्रथम चरण बोला जा सकता है, यही आधार काल है समझ लो हिंदी साहित्य का। अब इनसे प्रश्न कैसे बनते हैं तो हम लोग अब देखेंगे इनसे बनने वाले प्रश्नों को, ठीक है। तो आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल 4 कालखंड हुए हैं हिंदी साहित्य के, ठीक है। हिंदी साहित्य को मुख्य रूप से कितने कालखंडों में बांटा गया है, अगर ये प्रश्न पूछा जाए तो आपका उत्तर होगा 4 कालखंडों में। कौन से 4 कालखंड हैं, स्पष्ट रूप से यहाँ पर लिख दिए गए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार, हमने जो है इस पे लिख दिया, ठीक है। आगे देखो, आगे बढ़ते हैं,
आदिकाल को हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य का क्या पढ़ रहे हैं? आदिकाल, ठीक है, आदिकाल, ठीक है। व्यवस्थित तरीके से थोड़ा सा आदिकाल को पढ़ लें, इसके बाद बनने वाले प्रश्नों को अलग से हम लोग जो है हल कर लेंगे, ठीक है, देख लेंगे। आदिकाल की समय सीमा देखो, हिंदी साहित्य में आदिकाल की समय सीमा प्रारंभ होती है 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक, ठीक है, 993 ईस्वी से लेकर के 1318 ईस्वी तक की मानी गई है, ठीक है, ईस्वी तक की बात हो रही, ठीक है, सन की बात हो रही, ठीक है, ये समय सीमा हम मान ले रहे हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक मानी गई। राम चूंकि रामचंद्र शुक्ल का इतिहास संवत में है, इसलिए आदिकाल की समय सीमा हम संवत में भी लिख ले रहे हैं। देखो इस प्रकार से 993 को ईस्वी को हम लोग संवत में बनाए तो संवत 57 साल आगे आगे चल रहा होता है सन से, ठीक है। तो 1050 में 993 में 1000 जोड़ेंगे 57, तो 1050 आ जाएगा। आपको ऐसे ध्यान रखना है, विक्रमी संवत जो है 1050 से लेकर के 1375 तक चला, ठीक है, ये आदिकाल की समय सीमा है विक्रमी संवत में। ये समय सीमा हमने लिखी विक्रमी संवत में लिखी है, ठीक है, 1050 से लेकर के 1375 तक की जो चला, हिंदी साहित्य का पहला कालखंड है आदिकाल, ठीक है। इसके अलावा जो सन में बदल दें 57 साल घटा देना होगा, ठीक है, विक्रमी संवत से, तो 993 से 1318 ईस्वी तक। अब ये हो गई बात समय सीमा की, ठीक है। अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नामकरण अलग अलग काल बताया है इस कालखंड का या प्रथम चरण का, जो अलग अलग जो है अलग अलग विद्वानों के द्वारा दिया जाएगा, लेकिन प्रमुख रूप से रामचंद्र शुक्ल जी को हम पहले आधार बना के चल रहे होते हैं। तब यहाँ पर पढ़िएगा कि रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो है आदिकाल की समय सीमा 993 ईस्वी से 1318 ईस्वी तक दी गई है, ठीक है। आगे बढ़े तो कालखंड काल की बात हो गई कि आदिकाल किस कितने से कितने समय सीमा तक चला, अर्थात समय सीमा की बात हो गई, ठीक है। अब आदिकाल के विभिन्न नाम की बात करें, क्योंकि प्रथम चरण के नामों को लेकर के बड़ा मतभेद रहा है, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम दिया है। कैसे, आप थोड़ा सा इसके बारे में संक्षिप्त तथ्य जान लीजिए, अगर लिखने योग्य कुछ बातें बता दें जो आप लिख सकते हैं, नोट्स भी साथ साथ बना सकते हैं। तो हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम चरण आदिकाल के नाम से जाना जाता है। अब हम एक कुछ बातें फैक्ट में लिख ले रहे हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को आदिकाल के नाम से, हिंदी साहित्य के इतिहास के प्रथम चरण को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। एक बार लिख ले यहां पे, हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। प्रथम चरण को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को आदिकाल के नाम से जाना जाता है। इस तरीके से देखो, ठीक है, आदिकाल जो है ये प्रथम चरण है, ठीक है। अब देखिएगा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रथम चरण को या आदिकाल को वीरगाथा काल की संज्ञा दी है। बहुत सारी बातें हैं लिखने लिख के लिए, लेकिन हम लोग फैक्ट के माध्यम से पढ़ेंगे। वन डे एग्जाम की हम लोग प्रिपरेशन कर रहे होते हैं, अभी पीजीटी की क्लासेस चलेंगी हमारे द्वारा, तब हम लोग खूब डिटेल में पढ़ेंगे इसको, विस्तृत पढ़ेंगे, लेकिन अभी वन डे एग्जाम के दृष्टिकोण से हम लोग पढ़ रहे होते हैं, इसलिए बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्टिव नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसलिए हम फैक्ट बता रहे होते हैं। तो आदिकाल को आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इस प्रथम चरण को क्या नाम दिया है? वीरगाथा काल नाम दिया। दूसरा फैक्ट देख लेते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है। एक प्रश्न तैयार हो गया, अब यहां पर मिल रहे हैं वनडे के लिए प्रश्न। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने इसे वीरगाथा काल कहा है, किस नाम से संबोधित किया है? वीरगाथा काल, ठीक है। आप सीधे सीधे हम विभिन्न नामों पे आ जाएंगे, ठीक है, वीरगाथा काल कहा है, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या नाम दे दिया? वीरगाथा काल।
इस कालखंड में आचार्य रामचंद्र शुक्ल को जो है किस प्रकार की प्रवृत्ति दिखी, वीरगाथात्मक प्रवृत्ति दिखी, जो रचनाएं मिली हैं अर्थात इस काल की या इस समय सीमा की जो रचनाएं उपलब्ध हैं उसमें वीरगाथा की प्रवृत्ति ज्यादा है, और जो है यह दौर भी उस समय लड़ाई भिड़ाई का था तो उस समय वीरगाथा की प्रवृत्ति ज्यादा मिल रही होती, विशेषकर रासो काव्य को देख करके या फिर अन्य जो काव्य मिल रहे होते हैं उनमें वीरगाथात्मक प्रवृत्तियों को आधार मान करके रामचंद्र शुक्ल जी ने इसका नामकरण क्या दे दिया, वीरगाथा काल दे दिया। तो आपसे इतना प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल को अन्य किस नाम से जाना जाता है, वीरगाथा काल के नाम से, या वीरगाथा काल किसने कहा आदिकाल को, तो रामचंद्र शुक्ल जी ने, या रामचंद्र शुक्ल जी ने आदिकाल को क्या कहा, वीरगाथा काल कहा, इस तरह से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, वैसे इसके अगर मूल में जाए तो देखेंगे तो रामचंद्र शुक्ल जी ने वीरगाथात्मक प्रवृत्ति को आधार बना करके जो है इसे वीरगाथा काल नाम दिया है। ठीक है, ये बात आप समझ गए होंगे। ठीक है, अन्य विद्वान आते हैं और इसका अलग अलग नाम देते रहते हैं, तो जो प्रश्न पूछे जाते हैं वो को हम लोग हल कर लेते हैं। ठीक है, कि अलग अलग विद्वान आएंगे और इसको जो है अलग अलग नाम देंगे आदिकाल को, तो आदिकाल के नामकरण पढ़ने जा रहे हैं, आदिकाल के प्रथम चरण के नामकरण। हिंदी साहित्य का जो पहला चरण है इसको अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग नाम से संबोधित किया है, उसको हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, देखो देखिए देखिए पढ़ यहां लिख दे रहे हैं आदिकाल, आदिकाल अब और नामकरण करता, आदिकाल इसके नाम कि आदिकाल को किसने क्या नाम दिया, और इधर हम लोग लिख रहे हैं नामकरण करता। ठीक है, इसलिए कर रहे हो कि प्रश्न आता है नामकरण करता। ठीक है, किसने क्या नाम दिया। ठीक है, देखो आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा किसने दी। ठीक है, पहले प्रश्न यहां तैयार हो रहा है, या आप यहीं से स्पष्ट कर लें कि आदिकाल को आदिकाल किसने कहा, एक प्रश्न यहां से हल कर लें। ठीक है, आदिकाल को आदिकाल किसने कहा। ठीक है, देखो तो आदिकाल को आदिकाल की संज्ञा दी है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इसको देते हैं नाम। दूसरी बात देखें, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा, अभी हम लोगों ने चर्चा किया। दूसरे नंबर पे देखें, आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा। ठीक है, आदिकाल को एक नया नाम दिया गया। ठीक है, अन्य नाम दिया गया, इस तरीके से कहने जाता है। ठीक है, आदिकाल को एक और नाम दिया गया जिसका नाम है वीरगाथा काल, किसने दिया, रामचंद्र शुक्ल जी ने, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। ठीक है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, यहां लिख दे रहे हैं उत्तर। ठीक है, अगले, इसी आदिकाल को एक अन्य नाम दिया गया, जो पहला चरण है हिंदी साहित्य का, इसको एक और नाम दिया गया बीजोपन काल। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो इंपॉर्टेंट है उनको हम दृष्टिकोण में रख के पहले लिख रहे हैं। ठीक है, बीज वपन काल। ठीक है, बीज वपन काल। अच्छा, नाम देने के पीछे कुछ ना कुछ आधार है, उस आधार की चर्चा अभी हम नहीं कर रहे होते हैं क्योंकि सीधे सीधे हमको प्रश्न हल करने होते हैं। ठीक है, अभी हम आगे क्लासें बनाएंगे ये मतलब टीजीटी पीजीटी के लिए, तब हम लोग विशेष रूप से पढ़ेंगे कि इसके नाम देने के पीछे का आधार क्या है। ठीक है, किस आधार पे नामकरण किया गया कालखंड का। ठीक है, प्रथम कालखंड का। ठीक है, तो बीजोपन काल, बीजोपन काल मतलब हिंदी साहित्य के बीच इसी काल में रोपे गए, इसलिए जो है वपन माने रोपना। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के बीच इसी कालखंड में रोपे गए, इसका नाम महावीर प्रसाद द्विवेदी जी देते हैं बीजोपन काल। तो इसको बीजोपन काल किसने कहा, आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, सरस्वती पत्रिका वाले है ना, जान रहे हैं आप लोग, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी सरस्वती पत्रिका के यशस्वी संपादक रहे हैं, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। ठीक है, इस तरीके से एक प्रश्न हो गया। अगला देख लेते हैं, और नाम देख लेते हैं आदिकाल के। ठीक है, आदिकाल को चारण काल भी कहा गया है, आदिकाल को चारण काल कहा गया है। ठीक है, अब थोड़ा फास्ट देखेंगे, है ना, आदिकाल को चारण काल भी कहा गया है, एक अन्य नाम मिलता है चारण काल। चारण काल किसने कहा आदिकाल को, तो आदिकाल को चारण काल दिया है नाम गिरियर्सन ने, जॉर्ज गिरियर्सन लिख सकते हैं। ठीक है, गिरियर्सन, ठीक है, अंग्रेज साहित्यकार रहे हैं लेकिन हिंदी का अध्ययन किया इन्होंने। ठीक है, अभी इनका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हम लोग लेंगे, पहले यहाँ पर केवल महत्वपूर्ण बातों की चर्चा करेंगे, बहुत ज्यादा डीपली नहीं जाने वाले अभी। ठीक है, चारण काल
किसने कहा? गिरिरसन जी ने, ठीक है। चरण काल किसने कहा है? गिरिरसन जी ने, ठीक है। हाँ, आगे देखो पांचवें नंबर पे, अगला नंबर ले रहे हैं सिद्ध सामंत युग या सिद्ध सामंत काल, ठीक है। अगला क्या लिख रहे हैं? सिद्ध सामंत, ठीक है, सिद्ध सामंत, सामंत युग। आपको एक बात बताना जरूरी है, इस काल में सिद्धों की और सामंतों की बहुलता थी, ठीक है। सिद्ध भी, सिद्ध संत होते हैं, वो सिद्ध संत भी थे और सामंती व्यवस्था थी, दरबारी व्यवस्था जो थी सिद्ध सामंती थी, ठीक है। इसलिए वहां पर सिद्ध और सामंत की बहुलता थी। उस दृष्टिकोण से थोड़ा सा आधार बना करके विचार करके राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है, इस प्रथम चरण को क्या नाम देते हैं? सिद्ध सामंत युग, ठीक है, सिद्ध सामंत युग। तो आपको इससे मतलब कि सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया, ठीक है, वनडे एग्जाम के लिए भी बात कर रहे हैं, ठीक है। सिद्ध सामंत युग किसने नाम दिया? तो इसका उत्तर क्या होगा? महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है, राहुल सांकृत्यायन जी ने, ठीक है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन जी, ठीक है, महापंडित राहुल सांकृत्यायन, ठीक है। इस तरीके से हम देखें तो इतने नाम हमें मिल जाते हैं। इसके अलावा भी और कई नाम हैं, ठीक है। एक नाम आता है प्रारंभिक काल, इसी चरण को, पहले चरण को प्रारंभिक काल नाम दिया गया, जब भी इंपॉर्टेंट है तो हम लोग आगे बढ़े, ठीक है, प्रारंभिक काल नाम पढ़ लें, ठीक है, इस तरीके से प्रारंभिक काल, ठीक है। ये आगे क्या लिख रहे हैं? प्रारंभिक काल, ठीक है। छह नंबर पे देख ले रहे हैं प्रारंभिक काल, एक काल, किसने कहा? डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने, ठीक है। प्रारंभिक काल किसने कहा है? प्रारंभिक काल कहा है डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है, डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त, ठीक है। इन्होंने अपनी हिंदी साहित्य के इतिहास पुस्तक में जो है आदिकाल को जो नाम दिया वो है प्रारंभिक काल, क्या है? प्रारंभिक काल, ठीक है। इसी को उन्मेष काल भी कहा गया और शून्यकाल भी कहा गया, ठीक है, उन्मेष काल और शून्यकाल इन्हीं के द्वारा। तो आगे देखो डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने मूल इस आदिकाल को क्या नाम दिया? प्रथम चरण को क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल। क्या नाम दिया? प्रारंभिक काल, ठीक है। और जो है अपभ्रंश काल भी कहा जाता है। भाषा का अगर रूप देखें थोड़ा सा, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है यहाँ पर जो साहित्य लिखा गया, अपभ्रंश मिश्रित हिंदी है, तो यहाँ पर उस भाषा को दृष्टिकोण में रखते हुए इसका नाम क्या दिया गया? अपभ्रंश काल। क्या नाम दिया गया? अपभ्रंश काल। ये आदिकाल विभिन्न नाम ही पढ़ रहे हैं, ठीक है। अगले नंबर पर लिख रहे हैं अपभ्रंश काल, ठीक है, अपभ्रंश काल, ठीक है। किसने दिया अपभ्रंश काल नाम? चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। अपभ्रंश काल किसने कहा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी, गुलेरी विकल्प में, इस तरीके चंद्रधर शर्मा गुलेरी। अगर विकल्प में आपको अगर ना मिले चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, तो आप कर सकते हैं धीरेंद्र वर्मा, ठीक है, और किसने, या फिर धीरेंद्र वर्मा, ठीक है, धीरेंद्र वर्मा, ठीक है। इस प्रथम चरण को अपभ्रंश काल नाम समीचीन समझते हैं धीरेंद्र वर्मा जी भी, ठीक है। इसलिए विकल्प को ध्यान में देखिएगा, अगर बाई चांस ना मिले आपको चंद्र शर्मा गुलेरी, तो धीरेंद्र वर्मा मिल जाएगा, कि अपभ्रंश काल किसने माना है, प्रथम चरण को या आदिकाल को, चंद्र शर्मा गुलेरी या धीरेंद्र वर्मा, ठीक है। इस तरीके से कुछ महत्वपूर्ण बातें हम लोगों ने नामकरण को लेकर के की, ठीक है। और भी कई अन्य नाम हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन हम लोग थोड़ा सा वन डे एग्जाम में जो पूछे जाते हैं, यूपी टेट में जो पूछे जाते हैं, उनको हम लोग ध्यान में रख करके पढ़ रहे होते हैं, ठीक है। और एक नाम अगर देखें तो वीरगाथा युग देख लेते हैं, ठीक है। वीरगाथा काल कहा है रामचंद्र शुक्ल जी ने, लेकिन वीरगाथा युग के नाम से इसे संबोधित किया है श्याम सुंदर दास जी ने, ठीक है, श्याम सुंदर दास जी ने। तो यहाँ लिख ले रहे हैं अपनी जानकारी के लिए, हम लोग लिख ले रहे हैं, ठीक है, वीरगाथा युग, वीरगाथा युग। किसने दिया नाम वीरगाथा युग आदिकाल को? वीरगाथा युग किसने कहा है? अभी हमने बताया श्याम सुंदर दास जी ने। देखिए श्याम
सुंदर, श्याम सुंदर दास, ठीक है, श्याम सुंदर, ठीक है, इस तरीके से श्याम सुंदर दास जी ने इसे क्या कहा, वीरगाथा युग। क्या कहा, वीरगाथा युग। आधार काल भी नाम दिया गया प्रथम चरण को, ठीक है, हिंदी साहित्य के आदि काल को आधार काल कहा है मोहन अवस्थी ने। आधार काल किसने कहा है, मोहन अवस्थी ने, ठीक है। और संक्रमण काल या प्रवर्तन काल भी कहा गया है जो राम खिलावन पांडे जी ने दिया है। राम खिलावन पांडे जी ने इसका क्या नाम दिया है, संक्रमण काल या प्रवर्तन काल। तो विभिन्न नाम है, नामों का कोई बहुत लंबी लिस्ट है, इसलिए हम लोग यहाँ पर बहुत ज्यादा नामों को अधिकता में नहीं लाते हैं। जो महत्वपूर्ण है वनडे एग्जाम के दृष्टिकोण से उतने हम लोग लिख लेते हैं, बाकी जब यूपीटेट की या वो क्या कहते हैं टीजीटी की पीजीटी की नेट की क्लासेज हमारे द्वारा संचालित होंगी उसमें हम लोग बहुत विस्तृत अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो अभी तक जितने नाम हम लोग पढ़ लिए आदिकाल विभिन्न नामों में हमने क्या क्या पढ़ा एक बार देख ले रहे हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हिंदी साहित्य के प्रथम चरण को रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, बीजोपन काल महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कहा, चारण काल गिरिदर्शन जी ने कहा, सिद्ध सामंत काल राहुल शंकरत्यायन जी ने कहा, प्रारंभिक काल डॉक्टर गणपत चंद्र गुप्त जी ने बताया, अभ्रंश काल चंद्र शर्मा गुलेरी या धीरेन्द्र वर्मा जी ने दिया, और वीरगाथा युग श्याम सुंदर दास जी ने दिया, ठीक है। हम लोग अब इसके आगे बढ़ेंगे। आदिकाल के नामकरण हम लोगों ने पढ़ लिया, ठीक है, आदिकाल के नामकरण हम लोगों ने पढ़ लिया। आगे बढ़े तो आदिकाल की कुछ सामान्य प्रवृत्तियां पढ़ लेंगे और इसमें पाए जाने वाले काव्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग जो है समय सीमा देखे हैं आदिकाल की, क्या क्या देख लिया जल्दी जल्दी देखिए, समय सीमा क्या देखा है, समय सीमा, ठीक है, आपको पता हो गया होगा समय सीमा कितनी है आदिकाल की, 993 ईस्वी से 1318 तक ईस्वी की बात करें, ठीक है। समय सीमा के बाद नामकरण, आदिकाल का नामकरण, किसने क्या नाम दिया। अब हम लोग तीसरे स्टेप में क्या पढ़ने वाले हैं, सामान्य प्रवृत्तियां, क्या पढ़ेंगे, आदिकाल की सामान्य प्रवृत्तियां, ठीक है, प्रवृत्तियां माने विशेषताएं वगैरह, ठीक है, प्रवृत्तियां क्या पढ़ने वाले हैं, सामान्य प्रवृत्तियां। आप जुड़िए और वीडियो के माध्यम से जुड़ते रहिए, आपको जो है इसी तरीके से व्यवस्थित तरीके से आपको इसी क्लास से मिलती रहेंगी, ठीक है, सामान्य प्रवृत्तियां, ठीक है। तो अब हम लोग पढ़ेंगे सामान्य प्रवृत्तियां कि आदिकाल में कैसी प्रवृत्तियां थी, ठीक है। तो आदिकालीन साहित्यिक रचना में अगर देखें तो राशो साहित्य प्रमुख रूप से मिल रहा होता है, उसी को आधार बना के कुछ प्रवृत्तियां हम लोग आदिकाल की लिख लेते हैं, समझ लेते हैं कि कौन कौन सी प्रवृत्तियां आदिकाल में रही हैं, इनसे एक प्रश्न बन जाता है छोटा सा, अभी देखना, ठीक है। पहले ही प्रश्न बना लेते हैं या फिर बाद में प्रश्न बनाते हैं, दोनों तरीके से आप अध्ययन कर सकते हैं। प्रश्न बना के तब आंसर लिखे, तब उसको डिस्क्रिप्शन दिया जाए, तब भी तरीका है, लेकिन पहले हम लोग पढ़ लेते हैं फिर प्रश्नों को हल करते हैं प्रैक्टिस सेट के माध्यम से, तब अच्छी बात रहेगी, ठीक है। थोड़ा आगे देखें तो इस काल में जो साहित्य मिलता है, जो आदिकाल में हमें साहित्य मिलता है, उसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, तो यह भी एक प्रवृत्ति बनती है, ऐतिहासिकता का अभाव। समान प्रवृत्तियां पढ़ रहे हैं आदिकाल की, किसकी प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं आदिकाल की, ठीक है, किसकी प्रवृत्ति पढ़ रहे हैं आदिकाल की, ठीक है, सामान्य प्रवृत्ति किसकी पढ़ रहे हैं आदिकाल की, इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है, किसका अभाव है, ऐतिहासिकता का, इधर ही लिख ले रहे हैं, ठीक है, प्रवृत्तियों के दायरे में हम लोग उधर लिख ले रहे हैं सामान्य प्रवृत्तियां, ठीक है, इधर सब जो है प्रवृत्तियां ही लिख रहे हैं, ऐतिहासिकता का अभाव, ऐतिहासिकता ऐतिहासिकता का अभाव का मतलब ये हुआ कि जो ग्रंथ हैं आदिकाल के, ठीक है, उसमें ऐतिहासिक सामग्री नहीं, ऐतिहासिक तिथि से मिलान नहीं हो पाता है, कहने का मतलब इतिहास सम्मत नहीं है, कहने का मतलब जो लेख है जो तिथियां हैं उनका सब उनको सबको अगर इतिहास से मिलान कराएं तो हमें इतिहास सम्मत नहीं मिलता है। तो इसलिए उस काल के ग्रंथों को हम देखें तो कैसे कह सकते हैं कि जो है इसमें ऐतिहासिकता का अभाव है। जो आदिकाल में ग्रंथ मिलते हैं उसमें युद्धों की सजीवता का वर्णन, युद्धों का वर्णन है लेकिन सजीव वर्णन है, ठीक है, तो युद्धों में युद्ध वर्णन में सजीवता, यह भी एक प्रवृत्ति है, ठीक है, युद्ध वर्णन, युद्ध ये प्रवृत्ति है आदिकाल के काव्य की, ठीक है, युद्ध वर्णन में सजीवता
इस प्रकार से वो जो वर्णन किया गया है आदिकालीन ग्रंथों में, जैसे लग रहा कि आंखों देखा हाल लिखा गया है। अभी हम लोग पृथ्वीराज रासो जब हम पढ़ेंगे उसमें से प्रश्न को पढ़ेंगे तो आपको बताएंगे कि इस प्रकार से चंद्रदाई जी ने उसमें वर्णन किया युद्ध का, जैसे लग रहा कि आंखों देखा हाल लिखा गया हो। जब आंखों देखा हाल लिखा जाता तो कहते हैं सजीवता आ गई, कहने का मतलब, ठीक है। तो इस काल के ग्रंथों में हम देखें तो युद्ध वर्णन में सजीवता मिलती है, युद्ध का वर्णन खूब किया गया है, ठीक है। दौर ही समाज ही लड़ाई भिड़ाई का था, ठीक है। इस काल में बहुत लोग आक्रांता, विदेशी आक्रांता आ रहे थे, ठीक है। उसमें जो है सामंत भी आपस में फूट कर लड़ रहे थे। तो जब समाज जैसा होगा वैसा साहित्य होता है, क्योंकि आपको पता है साहित्य समाज का दर्पण होता है। कैसा समाज था उसको देखना हो तो उस कालखंड के हम लोग साहित्य को पढ़ लेंगे, उसे पता चल जाएगा कि हमारा पिछला समाज कैसा था, ठीक है। तो साहित्य जो होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो जैसा समाज होगा वैसा साहित्य लिखा जाएगा। तो आदिकाल में रासो ग्रंथ लिखे गए, मतलब लड़ाई भिड़ाई वाले, या फिर वीरगाथात्मक ग्रंथ लिखे गए, क्योंकि समाज में वैसी प्रवृत्तियाँ थी, वैसी प्रवृत्तियाँ थी तो उसकी विशेषताओं में वैसी प्रवृत्तियाँ हम लोग लिख रहे होते हैं, ठीक है। ये बात आपको स्पष्ट में आ गई होगी, ठीक है। और सुनिए, संकुचित राष्ट्रीयता तीसरी हम विशेषता लिख ले रहे हैं। क्या लिख रहे हैं? संकुचित राष्ट्रीयता, ठीक है। तीसरी विशेषता या प्रवृत्तियां देखें, संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता। इस दौरान जो ग्रंथ लिखे गए, जो काव्य हैं, उसमें वीरता तो है, वीरता तो है, ठीक है, जोश है, वीरता से परिपूर्ण है, लेकिन उसमें राष्ट्र के प्रति वीरता नहीं दिखी है, कहने मतलब, तो संकुचित राष्ट्रीयता है, ठीक है। राष्ट्र के प्रति कोई जो है वीरता परक बातें नहीं लिखी गई, ठीक है। तो संकुचित राष्ट्रीयता ये बहुत महत्वपूर्ण प्रवृत्ति है, ठीक है। तो अभी एक प्रश्न बनेगा हम लोग देखेंगे, तो इससे में एक उत्तर मिल जाएगा आपको, संकुचित राष्ट्रीयता, ठीक है। निम्नलिखित में से राष्ट्रकालीन प्रवृत्ति या फिर आदिकालीन प्रवृत्ति है, ठीक है, तो आपका उत्तर विकल्प दे सकता है संकुचित राष्ट्रीयता, या फिर नहीं है ऐसे भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्रश्न इन प्रवृत्तियों को लेकर के बनते हैं, ठीक है। या एक प्रश्न हम लोग देख ही लेते हैं, कहने मतलब, ठीक है। एक प्रश्न जो है हम लोग अभी देख ही ले रहे हैं, हल कर ले रहे हैं, ठीक है, ठीक है, जो कि आया हुआ है, ठीक है, प्रवृत्तियों को लेकर के, ठीक है, प्रवृत्तियों को लेकर के एक प्रश्न आया हुआ है। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। अब यहाँ से एक प्रश्न बन सकता है, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, संकुचित राष्ट्रीयता है, मतलब राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। ये प्रश्न आपको जब हल करेंगे तो इसी के आधार पर हल करेंगे, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। तो अभी इस प्रश्न को अभी नहीं हल करते, थोड़ा सा रुक जाइए, अभी हम लोग प्रवृत्तियाँ पूरी कंप्लीट कर लें, तब हम लोग प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है, तब प्रश्नों को हम लोग जो है हल करेंगे, ठीक है। अगला देखें, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा मिलती है, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा मिलती है, ठीक है। अगली प्रवृत्ति अगर देखें, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, आश्रयदाता या आश्रयदाताओं की प्रशंसा सीधे सीधे लिख दे तभी बात ठीक रहेगी, ठीक है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, की प्रशंसा खूब है। जो कभी राजा के दरबार में रहता था, अर्थात जो आश्रय देता था राजा, उसी की प्रशंसा वो कवि करते थे। दरबारी प्रवृत्ति थी, जो कवि थे, चारण थे, जो भाट थे, वो दरबार में रहते थे और दरबार में रह करके उस राजा की ही प्रशंसा करते थे। तो ऐसे काव्य में हम लोग कहते हैं कि इसमें जो है आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा मिलती है, जो काव्य लिखे गए राजा के सम्मान में, राजा के मतलब की वीरता का ही वर्णन उसमें मिलता है, ठीक है। आगे देखें, अगली प्रवृत्ति अगर देखें, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा के बाद, ठीक है, तो इसमें कल्पना की प्रचुरता है। जो इस काल के जो साहित्य है उसमें क्या है? कल्पना की प्रचुरता, कल्पनाशीलता ज्यादा है, कहने मतलब, ठीक है, कल्पना की प्रचुरता। तो अगली प्रवृत्ति क्या लिख दें? कल्पना की प्रचुरता। अच्छा, प्रवृत्तियां इसलिए पढ़ने की इनसे एक प्रश्न घूम सकता है या बन सकता है, ठीक है, कल्पना की प्रचुरता, ठीक है। और देखिए, कल्पना की प्रचुरता के बाद वीर एवं श्रृंगार का वर्णन, ठीक है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, ये प्रवृत्ति हम लोग बना सकते हैं। देखिए, वीर एवं या और श्रृंगार, श्रृंगार रस की प्रधानता, रस की प्रधानता, ठीक है, ऐसे देख लीजिए, श्रृंगार रस की प्रधानता, ठीक है। इतनी बात समझ में आ गई होगी, इतनी बात समझ में आ गई होगी, ये बात समझ में आ गई होगी।
ये बात समझ में आ गई होगी। देखिए देखिए ध्यान से, ये हमने चार बातें महत्वपूर्ण लिख दी हैं, ठीक है। देखो ऐतिहासिकता का अभाव, ठीक है, ऐतिहासिकता का अभाव है, ये प्रवृत्तियां है, युद्ध वर्णन में सजीवता, संकुचित राष्ट्रीयता, आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता, डिंगल एवं पिंगल भाषा शैली का प्रयोग, ये भी आप एक बढ़ा सकते हैं, डिंगल एवं पिंगल भाषा शैली का प्रयोग। भाषा शैली कैसी थी? डिंगल एवं पिंगल भाषा शैली थी, ठीक है। सात नंबर पर लिख लें, डिंगल की विशेषता में लिखेंगे, डिंगल एवं पिंगल, ये भाषा शैली कैसी है भी चर्चा कर ले रहे हैं, पिंगल भाषा शैली, भाई इतना करके हम लोग छोड़ दें, डिंगल एवं पिंगल भाषा शैली का प्रयोग, ठीक है, डिंगल एवं पिंगल भाषा शैली का प्रयोग, ठीक है। आगे देखो, डिंगल भाषा और पिंगल भाषा कैसी भाषा है? कुछ नहीं। अपभ्रंश, अपभ्रंश में जब राजस्थानी मिश्रित हो जाती है, या अपभ्रंश और राजस्थानी के मिश्रित रूप को हम लोग जो है डिंगल नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं? डिंगल। और अपभ्रंश में जब ब्रज भाषा का मिश्रित रूप होता है वो होता है पिंगल भाषा, ठीक है। कोई अलग की भाषा नहीं, कोई विदेशी भाषा नहीं, ये हिंदी का ही एक प्रारंभिक रूप समझ लीजिए आप, ठीक है। देखिए आपकी जानकारी के लिए एक बात महत्व बता दें, अपभ्रंश, अपभ्रंश, ठीक है, प्लस या इस तरह प्लस नहीं, हम जानकारी के लिए दे रहे हैं, ठीक है। अपभ्रंश में जब राजस्थानी मिश्रित हो जाए, क्या मिश्रित हो जाए? राजस्थानी बोली या भाषा, ठीक है। अभी हम लोग भाषा को अलग से पढ़ेंगे, हमने पहले क्लास पहले ही बताया शुरुआत में। तो अपभ्रंश में जब राजस्थानी का मिश्रित जो रूप होता है, ये भाषा जो होती है वो डिंगल कहलाती है, ये थोड़ा कर्कश होती है। डिंगल कैसी होती है? कर्कश होती है। इस भाषा का प्रयोग आदिकालीन काव्यों में मिलता है, विशेषकर राजस्व ग्रंथों में मिलता है, विभिन्न प्रकार के राजस्व ग्रंथ हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। आगे देखो पिंगल, पिंगल को ध्यान समझिए, इसमें बहुत महत्वपूर्ण अंतर नहीं। अपभ्रंश में, अपभ्रंश में जब हम लोग ब्रजभाषा का पुट पाते हैं, ब्रजभाषा मिश्रित जो अपभ्रंश होती है वो कहलाती है पिंगल, वो क्या कहलाएगी? पिंगल कहलाएगी, ठीक है। तो डिंगल और पिंगल जो भाषा शैली है, इसको आप इस यहाँ पर समझ लिए होंगे, हमारे यहाँ तक जानकारी में आप समझे होंगे कि अपभ्रंश में जब ब्रजभाषा मिल जाए तो उस रूप को कहेंगे हम लोग पिंगल, अपभ्रंश में जब राजस्थानी मिल जाए उस रूप को हम लोग भाषा के उस रूप को कहेंगे डिंगल। ये होती है कर्कश, और ये पिंगल भाषा जो होती है वो कर्णप्रिय होती है। ब्रज भाषा वैसे भी कर्णप्रिय है, अभी ब्रज भाषा भक्ति काल में आकर के पढ़ेंगे, अच्छे अच्छे पद पढ़ेंगे, तो वहां पर हम लोग जो है कर्णप्रिय भाषा की ओर थोड़ा सा हम लोग ध्यान देंगे कि ये कर्णप्रिय भाषा होती है। तो इसमें अपभ्रंश में जब ब्रज भाषा मिल जाएगी तो ये पिंगल कर्णप्रिय है, ये कर्कश है, ठीक है। इस प्रकार से आपने इतनी जानकारी प्राप्त की कि आदिकाल में सामान्य प्रवृत्तियां क्या हैं, आदिकाल के सामान्य प्रवृत्तियां कौन कौन सी हैं, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारी प्रवृत्तियां हैं, ठीक है, प्रामाणिकता में संदेह है आदिकालीन काव्यों की, ठीक है। इससे प्रश्न एक बनता है, लेकिन बड़े स्तर पर बनता है, ठीक है। तो प्रामाणिकता में संदेह भी, प्रामाणिकता में संदेह भी मिलता है, यह भी एक प्रवृत्ति है। उन्हें जाने कितनी भी प्रवृत्तियां, अलंकारों का स्वाभाविक समावेश हुआ है ना, अभिविध छंदों का प्रयोग हुआ है, तो इस तरीके की प्रवृत्तियां बहुत ज्यादा हैं। आपको केवल उतने ही पढ़नी है जो प्राय प्रश्न बन सकते हैं, जिनसे प्राय, ठीक है। तो आगे हम लोग बढ़ें, इस बात से आगे बढ़ें, तो आपको एक बार पुनः इन सब बातों से अवगत करा दें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे आदिकालीन काव्य। अब आदिकालीन काव्य पढ़ें या कवि पढ़ें, बात बराबर है, आदिकालीन कवियों को पढ़ेंगे, ठीक है, या आदिकालीन काव्य को पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्रवृत्तियों को एक बार पुनः रिवाइज कर लें, फिर आगे बढ़ें हम लोग, ठीक है। देखिए भाई प्रवृत्ति को, ठीक है, प्रवृत्तियां एक बार देख लें, ये देखो यहां लिखी है, ये देखो, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन में सजीवता। अब एक बार देख लीजिए, देखिए हम लिखा बता दे रहे हैं, युद्ध ऐतिहासिकता का अभाव, ठीक है, ऐतिहासिकता का अभाव, युद्ध वर्णन में सजीवता, युद्ध वर्णन में सजीवता, संकुचित राष्ट्रीयता, संकुचित राष्ट्रीयता का मतलब राष्ट्र के प्रति कोई बोध नहीं है, ठीक है। राष्ट्र वीरता तो खूब लिखी गई इस कालखंड के साहित्य में, काव्य में, ठीक है, लेकिन राष्ट्रीयता का कोई विशेष जो राष्ट्रीयता जो है निकल करके नहीं आ रही, कहने का मतलब तो संकुचित राष्ट्रीयता है, ठीक है। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, कहने का मतलब ये बात बताई जा रही है, ठीक है। आश्रयदाता राजाओं की प्रशंसा, कल्पना की प्रचुरता, ठीक है, कल्पना की प्रचुरता है इस
कालखंड में या इस कालखंड के काव्यों में, ठीक है, वीर एवं श्रृंगार रस की प्रधानता डिंगल एवं पिंगल भाषाशैली का प्रयोग होता है, विविध छंदों का प्रयोग होता है, ठीक है। इस तरीके से आप ये बात जानिए, ठीक है। और एक बात जानने योग्य है कि इस काल में जो है अलंकारों का प्रयोग भी बहुत प्रचुर मात्रा में हुआ है, ठीक है। आगे बढ़े तो एक प्रश्न हम लोग अभी देख रहे थे, आदिकाल में जो है किस प्रवृत्ति का अभाव है, ठीक है, आदिकाल में किस प्रवृत्ति का अभाव है, इससे लेकर के एक प्रश्न अभी हम बता रहे थे कि प्रवृत्तियों से एक प्रश्न बन सकता है, उस प्रश्न को आप हल करिए। देखिए आपको प्रश्न दे रहे हैं, मतलब इतना पढ़े हैं तो उससे प्रश्न हल हो रहे हैं कि नहीं हो रहे हैं, ये बात तो आप जांच करके देखिए, इस बात को आप जांचिए कि आपने पढ़ा तो उन प्रश्नों को हल कर पाने में सक्षम है या नहीं सक्षम है, या फिर जो भी है आप प्रश्न का एक वो देखिए किस तरह से प्रश्न आते हैं प्रवृत्तियों को लेकर के, ठीक है। तो हम इसको हटाने के बाद आपको एक प्रश्न दे रहे हैं, जरा हल करिए इस प्रश्न को तब आगे बढ़े, ठीक है। प्रश्न दे रहे हैं, आदिकालीन काव्य में प्रश्न है, प्रश्न एक, अब हमारे प्रश्न शुरू हो रहे हैं, प्रश्न एक, आदिकालीन काव्य में प्रश्न देखिए, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है, काव्य में किस प्रवृत्ति का, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है, ठीक है। आप लोग हमें बताइएगा, हम चार विकल्प आपको दे दे रहे हैं। नंबर एक प्रकृति चित्रण, ये बात प्रवृत्ति में अभी नहीं बताई लेकिन अभी विकल्प के माध्यम से बता दे रहे हैं, ठीक है। नंबर एक प्रकृति चित्रण, आप जुड़ते जाइए और प्रश्नों को हल करिए, ठीक है। नंबर एक प्रकृति चित्रण, प्रकृति चित्रण, ठीक है, पहला विकल्प। विकल्प दूसरा, विकल्प एक प्रकृति चित्रण, दूसरा राष्ट्रीय चेतना, ठीक है, दूसरा विकल्प दे रहे हैं राष्ट्रीय चेतना, राष्ट्रीय चेतना। तीसरा विकल्प आपका क्या है बता दे रहे हैं आपको, तीसरे विकल्प में लिख दे रहे हैं भक्ति, है ना। विकल्पों से आपको प्रवृत्तियां और प्रगाढ़ हो जाएंगी और जान जाएंगे आप कैसी प्रवृत्तियां थी, ठीक है। और चौथे नंबर पे हम दे दे रहे हैं श्रृंगार, ठीक है। अब आप इनका उत्तर दीजिए फट से, पूरे बोर्ड पर आपको एक प्रश्न लिखा, केवल मैंने बड़ा सा एक प्रश्न लिखा है कि आप इसको समझिए ध्यान से, ठीक है, प्रश्न को समझिए। विकल्प आपको बड़े बड़े से लिख दिए कि आप विकल्प पर फोकस करिए, ध्यान करिए, बताइए कि आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। प्रवृत्ति माने वही बात हो रही विशेषताओं को लेकर के, ठीक है, वही प्रवृत्तियां पढ़ाया अभी हमने, आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है। तो हमें प्रकृति चित्रण भी मिलता है, बताया नहीं हमने लेकिन अब तो बता दे रहे हैं कि आदिकालीन काव्य में प्रकृति चित्रण मिलता है, आदिकालीन काव्य में प्रकृति चित्रण मिलता है, प्रकृति का चित्रण आलंबन रूप में किया गया है। अभी कैसे आलंबन रूप में किया गया अभी पढ़ रहे हैं आगे, ठीक है। अच्छा, राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है आपको, अभी मैंने पढ़ाया पिछली, थोड़ा सा पीछे जाइए तभी हमने पढ़ाया, कहाँ पढ़ाया, थोड़ा सा पीछे आप जाएंगे तो देखेंगे कि आपने पढ़ाया वह राष्ट्रीय चेतना का अभाव है ना। देखो संकुचित राष्ट्रीयता है, मतलब राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, यहाँ पर संकुचित राष्ट्रीयता लिखा गया तो वहां से आप हल कर लेंगे उस प्रश्न को, ठीक है। तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव, हमने इस बात को यहाँ पर जोड़ दिया था, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, तभी तो माना जाएगा, यही बात है कि संकुचित राष्ट्रीयता है मतलब राष्ट्रीय चेतना का अभाव है, ठीक है, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है। देखो प्रश्न पे आ जाओ फिर, तो राष्ट्रीय चेतना का अभाव, भक्ति, इस काल में भक्ति भी है, भक्ति भी मिलती है, ठीक है, और श्रृंगार भी प्रचुर मात्रा में मिलता है, श्रृंगारी रचना है तो श्रृंगार तो है ही है। इसके अलावा हमारा प्रश्न का उत्तर क्या बन जाएगा, आप लोग स्वयं दे सकते हैं उत्तर कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव, उत्तर में क्या लिखेंगे, राष्ट्रीय चेतना का अभाव, उत्तर क्या होगा, राष्ट्रीय चेतना का अभाव है भाई, ठीक है। तो आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है, जितना आप लोगों ने पढ़ा उससे एक प्रश्न हल कर ले गए, ठीक है, कि राष्ट्रीय चेतना का अभाव मिलता है हमें, ठीक है। इस तरीके से एक प्रश्न हमारा ये भी कंप्लीट हो गया। आगे बढ़े, अब हम लोग पढ़ेंगे आदिकालीन काव्य को, ठीक है, क्या पढ़ना है, आदिकालीन काव्य को, या आदिकाल में कितनी काव्य धाराएं रही हैं उन सबको हम लोग अध्ययन करेंगे। चलिए थोड़ा सा और देख लेते हैं तब आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। अगला प्रकरण हम लोग बना रहे हैं आदिकालीन काव्य, ठीक है, देखिए आदिकालीन, एक प्रश्न किए होंगे आपको अच्छा लगा होगा, आदिकालीन काव्य, ठीक है, आदिकालीन काव्य कह लें या कवि कह लें, कोई भी प्रकरण बना सकते हैं, ठीक है, ऐसे
आदिकालीन काव्य कवि। ठीक है, देखो आदिकाल में 5 काव्यधाराएं चली हैं। कितनी काव्यधाराएं? 5। अध्ययन की सुविधा के लिए हम लोग उसको बांट ले रहे हैं, विभिन्न विद्वानों ने बांटा है, हम क्या बांट रहे हैं देखिए कैसे, आप लोग समझिएगा। आदिकाल में कितनी काव्यधाराएं हैं? 5। आपको ऐसे बांटे है ना, 5 को ऐसे बांटते हैं हम लोग, ऐसे ऐसे बांट ले, उसके नीचे हम लोग कंटेंट लिखेंगे। ठीक है, वो नहीं पाएंगे क्या? 5 ऐसे, ठीक है, 2, 3, 4, 5, 5 काव्यधाराएं हैं आदिकाल में। देखो आदिकाल में कितनी काव्यधाराएं हैं? 5। ठीक है, इसको इधर बढ़ाएं, देखें, हाँ ठीक हो गया, हो गया, हो गया। ओके, अब देखो आदिकाल में कितनी काव्यधाराएं हैं? 5। आदिकाल में 5 काव्यधाराएं हैं, उनके नाम आपको पता हो? पता हो तो आप लोग बताएं भाई, कमेंट करें थोड़ा, बाकी हम लिखाने जा रहे हैं आदिकाल में कौन कौन सी काव्यधाराएं हैं। आदिकाल में 5 काव्यधाराएं हैं, या 5 प्रकार का काव्य ऐसे कह सकते हैं। ठीक है, 5 काव्यधाराएं मतलब 5 प्रकार का, 5 कोटि का काव्य मिलता है, तब उसमें पढ़ेंगे तो सुविधा रहेगी, पढ़ने में आसानी रहेगी। ठीक है, मतलब विस्तृत पढ़ रहे होते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो आदिकाल में सबसे पहले मतलब सिद्ध साहित्य मिलता है। आदिकाल में सबसे पहले देखें कौन साहित्य मिलता है? सिद्ध साहित्य मिलता है। देखो सिद्ध साहित्य आदिकाल में क्या पढ़ना होगा? सिद्ध साहित्य। आपकी सुविधा के लिए थोड़ा बड़ा लिख रहे होते हैं। ठीक है, अभी आपको जैसा उचित लगेगा तो कर दिया जाएगा। ठीक है, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य जो है ये आदिकालीन साहित्य है। ठीक है, आदिकाल में मिलता है। सिद्ध साहित्य के बाद नाथ साहित्य, क्या लिखेंगे? नाथ साहित्य। ठीक है, नाथ साहित्य। ठीक है, और क्या मिलता है आदिकाल में, किस प्रकार का काव्य मिलता है? एक कोटि और है, जैन साहित्य। कैसा? जैन साहित्य। इनसे प्रश्न बनते हैं, इन सबसे प्रश्न बनते हैं वनडे एग्जाम में या विभिन्नत्व की परीक्षाओं में, जैन साहित्य। जैन साहित्य के अलावा एक और काव्य परंपरा है, काव्य की कोटि है, जिसे हम कहेंगे रासो, रासो का परंपरा या रासो साहित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में क्या मिल रहा है? रासो साहित्य। इसी से प्रश्न भी ज्यादा बनते हैं रासो साहित्य से। ठीक है, रासो साहित्य से प्रश्न भी बहुत बनते हैं, परमा पृथ्वी राज रासो, परमाल रासो, ये सब है इसी में। ठीक है, अभी और भी रासो ग्रंथ है, विशल देव रासो, हमीर रासो। ठीक है, अच्छा एक पांचवी अंतिम देखो, लौकिक साहित्य। कौन सी काव्यधारा? लौकिक। कैसी? लौकिक, लौकिक। आपको बताएं भक्ति काल को जैसे आप बांटते हो, कैसे बांटते हो? सगुण और निर्गुण। निर्गुण के दो रूप बांटते हो। ठीक है, निर्गुण के दो काव्यधाराएं बांटते हो, कहते हो कि निर्गुण में एक चला ज्ञान मार्गी, एक प्रेम मार्गी। ठीक है, ये ज्ञानाश्रय या प्रेमाश्रय। फिर आगे उधर सगुण में ले जाकर के राम काव्यधारा और कृष्ण काव्यधारा बांटते हो, काव्यधारा है। वैसे ही उसी तर्ज पे हम लोग किसको समझो, ठीक है, कि आदिकाल को, आदिकाल में 5 काव्यधाराएं हमें मिल जाती हैं। ठीक है, एक तो सिद्धों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया आदिकाल में वो सिद्ध साहित्य कहलाया, सिद्धों के द्वारा जो आदिकाल में साहित्य लिखा गया वो क्या कहलाया? सिद्ध साहित्य। ठीक है, सिद्ध एक प्रकार के तांत्रिक संत हुआ करते थे, अभी उनकी चर्चा करेंगे कि संख्या उनका कितनी है, उनकी प्रश्न आता है सीधे सीधे। नाथों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया है आदिकाल में, या नाथों ने जो साहित्य लिखा अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए हिंदी के माध्यम से लिखा, हिंदी माध्यम में, वो कहलाया नाथ साहित्य। ठीक है, जैन साहित्य, इसका महत्व पढ़ेंगे इन सब का। ठीक है, जैन साहित्य, जैनियों के द्वारा, जैन मुनियों के द्वारा जो साहित्य लिखा गया हिंदी में, प्रारंभिक हिंदी में, वो सब कहलाया जैन साहित्य। रासो साहित्य, राजाओं का वर्णन मिलता है रासो साहित्य में, जो दरबारी कवि थे वो अपने राजाओं की प्रशंसा के लिए कुछ रासो साहित्य रचे। रासो शब्द पे चर्चा करेंगे, इससे प्रश्न बनते हैं कि रासो शब्द किस शब्द से निश्रित है या किस शब्द से बना है, तो अलग अलग देखेंगे कि रासो शब्द रसायण से बना है कि रसिक से बना है। इस तरह से रामचंद्र शुक्ल ने रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है, ये प्रश्न आ चुका है। ठीक है, आगे देखो लौकिक साहित्य, सामान्य जनता के लिए जो साहित्य लिखा गया आदिकाल में वो लौकिक साहित्य के दायरे में आता है। ये क्यों? थोड़ा सा इसको समझिएगा, समझने का प्रयास करो क्या बात बता रहे, सामान्य जनता वाली जो बात आई उसको समझिए। ये सिद्ध साहित्य धार्मिक है, धर्म से संबंधित बातें हैं इसमें। नाथ साहित्य भी धार्मिक है, धर्म संबंधित बातें हैं। जैन साहित्य भी धर्म से संबंधित है, मतलब ये धार्मिक साहित्य है। ये तीनों कैसे साहित्य हैं? धार्मिक साहित्य, इसको समझिएगा खूब ध्यान से। ठीक है, ये तीनों कैसे हैं? धार्मिक साहित्य है। तो आदिकाल में तुमको पता चला कि धार्मिक साहित्य लिखा गया ज्यादातर, धार्मिक साहित्य, धर्म से संबंधित, जैन धर्म से संबंधित,
जैन साहित्य मिलता है हमें आदिकाल में। नाथ साहित्य में नाथों ने लिखा है, ठीक है, नाथ साहित्य, और धर्म संबंधित है सिद्ध, सिद्ध अपना अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए लिखा है, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा रासो साहित्य, ये राजनीतिक है, ठीक है, इसमें राजनीतिक बातें हैं, ठीक है। तो राजनीतिक हो गया, वो सामान्य जनता के लिए है, सामान्य जनता संबंधित है, तो इस तरह विभाजन किया जा सकता है, तीन भाग हो सकते हैं, ठीक है। ये कैसा हो गया, राजनीतिक, ये राजनीतिक, ठीक है, राजनीति संबंधित, थोड़ा सा राजनीतिक बजाय राजनैतिक कहें ज्यादा सही है। और इसका लौकिक, लौकिक में सामान्य जनता की बात करते हैं, ठीक है, सामान्य, सामान्य जनता की बात आती है, ठीक है, इसमें सामान्य लोगों के लिए बात कही गई है, ये होता है, ये लौकिक धारे में आता है। जैसे विद्यापति और अमीर खुसरो ने सामान्य जनमानस को ध्यान में रख करके जो साहित्य लिखा है आदिकाल में, वो कहलाता है लौकिक साहित्य। क्या कहलाता है, लौकिक साहित्य, सामान्य जनता के लिए। अच्छा, ये साहित्य सामान्य जनता के लिए नहीं है ना, सामान्य जनता की इसमें भावाव्यक्ति है, इसमें कहाँ सामान्य जनता की भावाव्यक्ति, राजा की प्रशंसा है, राजा की ही बातें हैं, ठीक है। तो राजनीतिक हो गया, ये सब धार्मिक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार के काव्य हमें जो है आदिकाल में मिलते हैं, सिद्ध, नाथ, जैन, रासो और लौकिक, ठीक है। इस प्रकार के काव्य हमें ऊपर मिलते हैं, इनसे प्रश्न बनते हैं। अब सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग सिद्ध साहित्य। क्या पढ़ेंगे, सिद्ध साहित्य को पढ़ेंगे। अब क्रमानुसार जो है हम लोग सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, जैन साहित्य और रासो साहित्य पढ़ लेंगे, कालक्रम के अनुसार लगा हुआ है, इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से अध्ययन कर लीजिए, इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं सिद्ध साहित्य को। क्या पढ़ते हैं, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, सिद्ध साहित्य, ठीक है। तो सिद्धों के द्वारा जो लिखा गया है वो सिद्ध साहित्य है। इनकी समय सीमा 8वीं सदी के आसपास मानी गई, अलग अलग विद्वान अलग अलग समय सीमा निर्धारित करते हैं 8वीं सदी के आसपास आप मान सकते हैं, प्रादुर्भाव इनका देखें तो 8वीं सदी के आसपास मान सकते हैं। सिद्ध साहित्य दोस्तों बौद्ध धर्म की विकृति है, समझ लीजिए, ठीक है। सिद्ध साहित्य नहीं, सिद्ध जो थे, सिद्ध जो संतों के द्वारा लिखा गया वो बौद्ध धर्म की विकृति के उपरांत एक सिद्ध परंपरा चली, उसमें के जो संत हुए हैं वो लिखे हैं सिद्ध साहित्य, तो ये बौद्धों की विकृति का मतलब की परिणाम था जो सिद्ध बने, ठीक है। बौद्ध धर्म दो भागों में बटा था, हीनयान और महायान, आपको पता होगा, और महायान फिर जो है वज्रयान सहजयान में बटा, और वज्रयानी जो है आगे चल करके सिद्ध कहलाए, ये बात आपको जानकारी में रखनी होगी, ठीक है। वज्रयानी ही आगे चल करके सिद्ध कहलाए, तो ये बौद्धों की परंपरा से ही आते हैं सिद्ध लोग, ठीक है। सिद्ध लोग किसकी परंपरा से आते हैं, वज्रयानी शाखा संबंधित है। वज्रयानी शाखा किस संबंधित है, बौद्ध शाखा संबंधित है, ठीक है, ठीक है। तो आप सिद्धों की संख्या सीधे सीधे पूछ लेते हैं, सिद्ध साहित्य में सिद्धों के द्वारा लिखा गया साहित्य, ऐसे हम सरल कर ले, सिद्धों के द्वारा लिखा गया साहित्य, गया साहित्य आदिकाल में पढ़ रहे हैं हम लोग, आदिकाल में जो सिद्धों के द्वारा साहित्य लिखा गया, सिद्ध संतों के द्वारा साहित्य लिखा गया, वो कहलाया सिद्ध साहित्य, ठीक है। भाषा क्या थी अभी चर्चा करेंगे, आगे देखो। तो सिद्धों की संख्या 84 मानी गई, एक प्रश्न बनता है, प्रश्न के अनुरूप हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सिद्धों की संख्या कितनी मानी गई है, 84। प्रश्न देखो, सिद्ध संतों की संख्या कितनी गिनाई गई है, 84। सिद्धों की संख्या 84, ठीक है, मानी गई है, मानी गई, कितने सिद्ध बताए गए हैं, 84 सिद्ध बताए गए, ठीक है, हाँ 84 सिद्ध बताए गए हैं, ठीक है। सिद्धों में प्रमुख सिद्ध थे सरहपा, ठीक है, प्रमुख सिद्ध कौन थे, सरहपा। कौन कौन 84 सिद्ध हैं, 84 का नाम गिनाना थोड़ा सा उचित नहीं है, ठीक है, कि कोई पुस्तक तो है नहीं जो लिखी जा रही है, यहाँ पर क्लास बनाई जा रही है, इसलिए जो है 84 सिद्धों में कुछ के नाम बता देना, सरहपा, सबरपा, लुईपा, डोमिप्पा, कड़पा, ठीक है। तो ये सब नाम जो है, पा जो शब्द लगा है आदर बोधक लग रहा है, इसलिए तुमको जो समानार्थी मिल रहे हैं ऐसे आदर बोधक शब्द पा, सरहपा, लुईपा, डोमिप्पा, सबरपा, ये जो नाम आ रहे हैं सरहपा, सबरपा, लुईपा, ये पा आदर बोधक शब्द पीछे लगा हुआ है, ठीक है। तो इसमें जो है आदर बोधक शब्द पा लगता है सभी सिद्धों में, और 84 सिद्ध हैं, उनमें जो प्रमुख सिद्ध हैं उनकी चर्चा हम लोग यहाँ पर करेंगे। अब हम किसको पढ़ रहे हैं, सरहपा को पढ़ रहे हैं, ठीक है। प्रमुख सिद्धों में सरहपा पढ़ेंगे क्योंकि इनकी रचना पूछी जाती है, इसलिए पढ़ेंगे, और कोई बहुत पूर्व बात तो नहीं है। वनडे एग्जाम के दायरे में हम लोग पढ़ रहे हैं, और सरहपा को इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि रचना पूछी जाती है, ठीक है।
देखो कौन सी रचना इनकी पूछी जाती है सरहपा की, ठीक है। सिद्धों में प्रमुख सिद्ध कौन ले रहे हैं, सरहपा। एक प्रश्न और आपको तैयार होगा कि सरहपा जो है यह हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, हिंदी का प्रथम कवि किसे माना जाता है, सरहपा को। हिंदी का पहला कवि किसे माना जाता है, सरहपा को माना जाता है। और ये सिद्ध संत है, सिद्ध है, ठीक है। और सरहपा ने एक पुस्तक लिखी है दोहाकोश, कौन सी पुस्तक लिखी है, दोहाकोश, ठीक है। तो सरहपा के पहले हम रचना काल देख लें, 769 के आसपास आता है रचना काल ना, ठीक है। ये रचना काल की इनकी बात करें, ठीक है, सरहपा। इनकी रचना की बात करें तो दोहाकोश है, ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, ठीक है। रचना, रचना काल के बाद इनकी रचना की बात करें तो कौन सी रचना है, दोहाकोश, दोहाकोश, ठीक है, दोहाकोश इनकी रचना है, ठीक है। तो अब एक प्रश्न बना है कि निम्नलिखित में से सरहपा की रचना है, ठीक है, तो दोहाकोश। निम्नलिखित में से सरहपा की रचना है दोहाकोश। कुल रचनाओं की संख्या लगभग 32 बताई जाती है, इनकी कुल रचनाओं की संख्या कितनी बताई जाती है, 32, ठीक है। लेकिन ये रचना बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है, ठीक है, परीक्षा के दृष्टिकोण से, क्योंकि परीक्षा में आती है, ठीक है। और देखें कि इनके नाम, सरोज ब्रज भी नाम था, सरोज वज्र भी नाम है, राहुल वज्र भी नाम है, राहुल भद्र भी नाम है, मतलब कुल मिलाकर इनके कई नाम गिनाए गए सरहपा के ही, ठीक है। तो सबसे प्रमुख है राहुल वज्र, ठीक है। आगे देखें रचना का, अगर हम प्रकार देखें तो जहि मन पवन न संचरई, जहि मण पवन न संचरई, शशि रवि नाहि पवेश, इस प्रकार की रचना का नमूना है, इस प्रकार की भाषा का प्रयोग करते हैं। इस सिद्धों की जो भाषा होती है अंतर साधनात्मक भाषा होती है, कहने मतलब तो रहस्य की प्रधानता होती है सिद्धों की रचनाओं में, या रहस्य की साधना पद्धति में रहस्यवाद मिलता है हमें। तो अब बहुत कुछ बातें ना करके हम इतना पढ़ लें कि सरहपा, सरहपा की प्रमुख रचना दोहाकोश, और जो है रहस्यवाद मिलता है इनकी रचनाओं में, ठीक है। अंतर साधनात्मक भाषा है, संध्या भाषा इन लोगों की होती है सिद्धों की, सिद्धों की भाषा संध्या भाषा, संध्या भाषा माने अंतर साधनात्मक भाषा होती है, इस पर चर्चा हम लोग डिटेल में करेंगे। आगे देखें सिद्धों की संख्या 84 मानी गई है, सिद्धों में प्रमुख सिद्ध सरहपा, सरहपा, ठीक है। आगे बढ़े एक और सिद्ध की बात कर लें, सरहपा, फिर आगे हम लोग सिद्ध में से जो प्रश्न बनने हैं उनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, ठीक है। सरहपा दूसरे सिद्ध कौन से हम ले रहे हैं, सरहपा, ठीक है, सरहपा, सरहपा, सरहपा के बाद किसको पढ़ रहे हैं, सरहपा को, ठीक है, सरहपा। सरहपा की एक बड़ी पुस्तक महत्वपूर्ण है चर्यापद, लेकिन समय सीमा 780 के आसपास आती है इनकी, इनकी रचना काल जो देखें 780 के आसपास, सरहपा 780, ये रचना काल लिख रहे हैं, लिख रहे हैं रचना काल, मतलब इस कालखंड की लगभग रचनाएं हैं, ठीक है। हाँ, इनकी प्रमुख रचना की बात करें तो चर्यापद है, इनके प्रमुख ग्रंथ की अगर हम बात करें तो चर्यापद है, या प्रसिद्ध ग्रंथ की बात करें सरहपा के तो चर्यापद है, चर्यापद, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये परीक्षा में आता है, चर्यापद प्रमुख या प्रसिद्ध रचना, प्रमुख ग्रंथ इनका, ठीक है, ग्रंथ, ठीक है, ये कौन सा है, चर्यापद है, प्रमुख ग्रंथ कौन सा है सरहपा का, चर्यापद है, ठीक है। और मोह माया का विरोध करते हैं, सहज जीवन पर बल देते हैं सरहपा, ठीक है, मोह माया का बड़ा विरोध किए हैं, सहज जीवन पर बल दिए हैं, और लुइपा भी सिद्ध संत है, सिद्ध के दायरे में लुइपा भी आते हैं, कड़पा भी आते हैं। तो इनकी सबकी रचनाओं से संबंधित बातें हम लोग नहीं करेंगे, जो महत्वपूर्ण सिद्ध संत थे दो, सरहपा और सरहपा और सरहपा, ठीक है। ये देखो सरहपा ये गुरु थे सरहपा, और उनके शिष्य हैं सरहपा, इस तरीके से आगे बात हम लोग बढ़ाएंगे। अब सिद्ध साहित्य की सामान्य प्रवृत्तियां अगर हम बात करें, सामान्य प्रवृत्तियों को देखें कि सिद्ध साहित्य की कैसी प्रवृत्तियां हैं, सिद्ध साहित्य किस प्रकार का साहित्य है, ठीक है। तो इसमें शास्त्रीय चिंतन पक्ष गौड़ है, और साधना पर बहुत बल दिया गया है, ठीक है, इस काव्यों में साधना पर बहुत बल दिया गया, और गुरु के महत्व को भी स्वीकारा गया है। उसमें काव्य को आप पढ़ेंगे तो पाएंगे उसमें गुरु के महत्व को बहुत स्वीकारा गया, कठिन साधना होती है सिद्धों की, ठीक है, जिस साधना कठिन होगी उसमें गुरु का महत्व बढ़ जाएगा, कहने मतलब, ठीक है। और सिद्ध साहित्य में रहस्यवादी भावना खूब है, और रहस्यवादी भावना के साथ साथ योग साधना पर खूब बल दिया गया है, कहने मतलब जो ये साहित्य है उसमें योग साधना की चर्चाएं हुई हैं, मतलब उनकी प्रक्रिया में, उनकी प्रवृत्ति जो थी, उनकी पद्धति जो थी, मतलब साधना पद्धति जो थी, उसमें रहस्यवाद तो है ही है, योग साधना पर भी बहुत बल दिया गया, साहित्य में हमें सब मिलता है, ठीक है। यही इस सिद्ध साहित्य की प्रवृत्तियां हैं, सामान्य प्रवृत्तियां हैं, ठीक है। और ब्रह्मांड में जो शिव और शक्ति हैं, कहने का मतलब वो पिंड, मतलब इस शरीर में है, कहने का मतलब ऐसी बातें सिद्ध लोग करते हैं, ठीक है, तांत्रिक प्रकार के हुआ करते हैं सिद्ध, आप लोग जानते होंगे फिल्मों में देखे ना तांत्रिक वगैरह को, ठीक है।
या आप जो कहीं भ्रमण पर जाएं किसी धार्मिक नगरी में, वहां तांत्रिक दिख सकते हैं, तो उसी तरीके के जो है सिद्ध तंत्र हुआ करते थे, चमत्कार प्रधान बातें करते थे, चमत्कार पर महत्व देते थे, ठीक है, बल पर महत्व, चमत्कार के महत्व पर बल देते थे, कहने का मतलब, ठीक है। वैदिक देवताओं के प्रति बड़ी अनास्था है, ठीक है, कोई आस्था नहीं वैदिक देवता के प्रति सिद्धों की, ठीक है, और ब्राह्मणवाद के प्रति अवज्ञा के भाव दिख जाते हैं सिद्धों के, ठीक है, और जो है वेदों के प्रति असम्मान है, कोई सम्मान नहीं है, असम्मान है वेदों के प्रति सिद्धों का, ठीक है। तो सिद्ध ये प्रवृत्तियां बता रहे हैं सिद्धों की, ठीक है, सिद्ध साहित्य की समझ लीजिए, सिद्धों की समझ लीजिए। चमत्कार प्रदर्शन की भावना अभी हमने बताया है, सिद्ध जो है चमत्कार पर बड़ा बल देने का प्रयास करते हैं और प्रतीकों का प्रयोग करते हुए चमत्कार की सृष्टि करते हैं लोग, प्रतीकों पर बड़ा बल देते हैं, कहने मतलब उस इस सिद्ध का प्रभाव कबीर पर जाकर के बहुत कुछ पड़ता है। अभी हम लोग जब कबीर पढ़ेंगे वहां देखेंगे, ठीक है, कबीर पर बहुत कुछ सिद्धों का प्रभाव पड़ता है, जो कबीर में रहस्यवाद है, उलटबासियां हैं, सिद्धों का ही प्रभाव है, जान पड़ती है, ठीक है। तो अब हम लोगों ने सिद्धों में से दो प्रश्न हमने हल कर लिया, कौन कौन, सरहपा और सबरपा, सबरपा की पुस्तक चर्यापद और सरहपा की पुस्तक जो है दोहा कोश। इसके आगे हम लोग जो है पार्ट टू बनाएंगे, जिसे इस क्लास को दो भागों में बांट के पढ़ेंगे, ये क्लास आप यहाँ पर रोक दे रहे हैं, ठीक है। आप हमसे जुड़ने के लिए आप एग्जाम कोच ई प्लेटफॉर्म जो लर्निंग प्लेटफॉर्म है इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमारी क्लासेस जो हैं TGT PGT की या UGC नेट की, अभी जो हमारा ऐप है उस पर आ जाएंगी, आप जो है ऐप को भी डाउनलोड करें और जो है आप प्रतिदिन आपको क्लासेस जो हैं मिल जाएंगी। टाइमिंग बता दी जाएगी किस समय आपको जो है प्रतिदिन क्लासेस मिलेंगी, अगले लेक्चर में बता देंगे, लेकिन पर डे जो है हिंदी की क्लासेस आपको मिल जाएंगी, प्रैक्टिस सेट भी मिलेगी, ठीक है। जितना पढ़ाते जाएंगे वो प्रैक्टिस करवाते जाएंगे, आप देखते जाएंगे कि जितने भी प्रैक्टिस सेट है उसमें आपको ऐसे परिप्रश्न मिल रहे होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को देखते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।